देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वॉज एडोब एक्सडी। ओके, एडोब एक्सडी के अंदर मैंने आप लोगों को आइकन्स क्रिएट करवाना बता दिया था, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट आइकन्स, आइकन्स हम लोग किस टाइप से क्रिएट करते हैं वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके, तो आइकन्स आज आप लोग जरूर ट्राई कर लेना। मैं अगेन एक दो आइकन्स ही बता देता हूँ, अब एसवीजी इमेज से रिलेटेड भी मैं बता देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एडवांस पार्ट करते हैं इसका, ठीक है, और फिर हम लोग डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर कल जो मैंने आइकन्स बताए थे, मैं यहाँ पर एक बार ओपन कर लेता हूँ XD। ओके, आप लोगों को ट्राई जरूर करने हैं, अपनी साइड से ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि देखने से समझ नहीं आएंगे, जब आप लोग खुद से बनाओगे ना तभी समझ में आएंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट डेमो 3 है, ये तो हम लोगों ने कल किया था, राइट। तो यहाँ पर मैं एक बार ओपन कर देता हूँ इसको, ये देखो। ओके, इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स थे जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे, ठीक है। एक दो आइकन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल होम का आइकन हो गया। ओके, होम का आइकन तो यहाँ पर देखो, देखो होम का मैं एक बार यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, होम का आइकन किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर देखो होम आइकन PNG कर दो या जैसे भी है। ओके, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप के आइकन्स है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है आप लोगों को, जस्ट एक यहाँ पर रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट करना है। ओके, रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक और रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट कर देना है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक और रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट कर देंगे। ओके, इस टाइप से सेंटर में ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, और इसका बॉर्डर हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर लाइन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। सिंपल है, मैं यहाँ पर लाइन इस टाइप से प्रोवाइड कर दूंगा। लाइन की मैं कुछ साइज, लाइन का साइज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे 8 8 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ओके, 20 एक बार हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, तो ये देखो 20 हो गया। ओके, अब आपने क्या काम करना है, इसी को रिवर्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको राउंड कैप कर देते हैं। ओके, राउंड कैप में ये देखो ये थोड़ा राउंड कैप हो गया है। अब हम लोग इसका यहाँ पर एक प्रॉपर इमेज, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, मतलब दो इमेजेस हो गई। ओके, तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी पोजीशन उसकी हिल गई थी। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करूँगा, फ्लिप, ये कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, दैट इज फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, और इसको मैं राइट हैंड साइड में मूव कर दूंगा। ओके, आप एरो की से भी मूव यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर है जिस। तो ये देखो ये हमारे पास आइकन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके, आप इनका यहाँ पर कलर वगैरह आप इनको एक बार ग्रुप कर दो दोनों को। ओके, Ctrl G ग्रुप कर दिया है मैंने। ओके, ग्रुप करने के बाद आप चाहो तो इनको थोड़ा सा नीचे लेकर आना, आप नीचे की साइड लेकर आ सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसका बॉर्डर, बॉर्डर है यहाँ पर बस, इसका तो सिर्फ बॉर्डर ही आएगा, तो मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ, और इसको मैं Ctrl G अगेन एक ही ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, बस अब आप यहाँ पर इसका कलर अगर प्रोवाइड करोगे तो ये देखो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, बॉर्डर अगर मैं हटा रहा हूँ तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, अदरवाइज वो कुछ उस टाइप से आ रहा है, ठीक है। ये पहले ठीक आ रहा था, हाँ अब ठीक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करता हूँ, इसको फिल यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ फिल नहीं हुआ। ओके, तो एक काम करते हैं, फिर बॉर्डर मत लगाओ, बॉर्डर नहीं सॉरी लाइन मत लगाओ, क्योंकि लाइन से ये ठीक नहीं हो रहा। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल ही क्रिएट कर देते हैं। ओके, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको हम लोग इस टाइप से थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, येलो जी। ओके, और 45 डिग्री एंगल पे कर दो, यहाँ से जाओ 45 डिग्री एंगल कर दो इसको। ओके,
सॉरी 45 कर दिया मैंने, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ओके, एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चले जाओ, इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये एग्जैक्टली यहाँ पर फिट इस टाइप से हो जाएगा, ओके। दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। और दोनों को मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, ग्रुप हो गया ये। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेंटर में प्लेस करके इसका बॉर्डर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये देखो, ओके। अब दोनों को मैं यहाँ पर अगेन ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद अगेन मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ, अब ये एक इमेज हो गई है। अब आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो, क्लियर है चीज। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रॉपर एक होम का आइकन क्रिएट हो गया, पॉइंट समझ में आ गया, ओके। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक होम का आइकन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ये लो जी। हाँ जी, कोई और आइकन जो आप लोग चाहते हो कि सर वो वाला आइकन आप हमें बनाकर एक बार दिखा दो। हाँ जी, होम मैंने यहाँ पर कर दिया। हाँ जी, इमोजी पास, सॉरी इमोजी, इमोजी, हाँ इमोजी भी आप लोग बना सकते हो। इमोजी में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बट इमोजी भी आप लोग बना सकते हो। सिंपल क्या काम करना है आपको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, ओके। सर्कल के बाद यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, एक सर्कल और आ जाएगा, ओके, इस टाइप से। फिर नहीं, मैंने शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके करूँगा मैं, इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, और एक और सर्कल हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर एक काम करो, एक सर्कल मैंने इस टाइप से क्रिएट कर दिया, और एक सर्कल मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्रिएट कर दिया, ओके, ये लो जी, ठीक है। और इन दोनों को आप यहाँ पर क्या काम कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास ये चीज़ आ गया। और यहाँ पर जाकर आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो इस टाइप से, डैट सेट, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, ओके, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें सेंटर में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ, नहीं हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को अलाइनमेंट दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, ओके। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अब की बार, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको मूव कर लेना लिप्स को, तो ये देखो, डैट्स इट, ये आपके पास इमोजी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ पर वन मिनट, मैं बॉर्डर अभी के लिए हटाता नहीं हूँ, ओके। यहाँ पर आप कलर अपना प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर है चीज़। तो ये लो जी, ये देखो, ओके। बाकियों को आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, यहाँ पर आप ऐड कर दो, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है मैंने। और अब आप यहाँ पर बॉर्डर सबका, अच्छा बॉर्डर तो सबका रिमूव ही है, ठीक है। फिर इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज करके अगर ब्लू ही कर देता हूँ, तो ये देखो, कंट्रोल जी ग्रुप तो ये हो ही रखा है, तो यहाँ से आप शिफ्ट प्लस इसको छोटा कर सकते हो, डैट सेट, ये लो। हाँ जी, और बताओ कोई डाउट, ठीक है। थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो और अच्छा आइकन क्रिएट हो जाएगा, ओके, पॉइंट समझ में आ गया सबको। हाँ जी, ठीक है। तो इस टाइप के आइकन्स मैंने आप लोगों को हर एक पार्ट यहाँ पर बता दिया है, किस टाइप से क्रिएट करना है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आई थिंक एक ये वाला पार्ट मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ओके। जैसे ये वाला पार्ट है, आप लोग यहाँ से कर्सर को मूव करवा सकते हो, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर, तो ये देखो, हम लोग इस टाइप से मूव करवा सकते हैं इनको, क्लियर है चीज़। हम लोग चाहें तो ये देखो, ये मैसेज टाइप का बन गया, नहीं बना, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप देख लेना, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे मैं शिफ्ट प्लस एरो की प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ से आप कर दो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये देखो, ये इस टाइप से हमारे पास बन जाएगा। आपने इसको राउंड करना, आप इसको राउंड भी कर सकते हो थोड़ा सा, क्लियर है चीज। तो ये देखो, ये यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग राउंड भी कर सकते हो, कितना राउंड आप लोगों को करना है, डैट सेट, क्लियर है चीज। तो ये देखो, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस लेवल पर उसको बनाना चाहते हो। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। ओके, तो ये अच्छा पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? मैं इसको सिंपल ही क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसका हम लोग बॉर्डर हटा देते हैं। बॉर्डर नहीं, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं बॉर्डर रिमूव करके मैं पहले इसका शेडो जो है वो चीज़ ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, वाई एक्सेस में 5 कर दो, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप कर दो, बॉर्डर हटा दो यहाँ से। 1 मिनट जरा, बॉर्डर पहले मैं इसका बॉर्डर इंडिविजुअली हटा देता हूँ। ठीक है, बस अब कंट्रोल जी करके आप इसका कुछ भी कलर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो, क्लियर है? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, शेडो आप थोड़ी सी अच्छी प्रोवाइड कर दो। ओके, यहाँ से हम लोग ओपेसिटी इसकी वो कर देते हैं और कलर जो है वो हम लोग वाइट कर देते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉपर मैसेज जैसा पार्ट लगने लग जाएगा। क्लियर है चीज सबको? तो ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बड़ा आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो आप लोग उसको थोड़ा सा छोटा यहाँ से करके फिर आप लोग इस टाइप से आइकन क्रिएट कर सकते हो। कोई डाउट? हाँ जी, सर, तो हाँ जी, राउट करने के लिए आपको लेके आता है वो किस हिसाब से? अभी सॉरी, जो राउंड कॉर्नर कर रहे थे ना, वो कैसे बनते हैं? राउंड कॉर्नर कैसे बनता है देख लो यहाँ से। ये देखो, दो वेज हैं डियर। एक तो है कि आप डायरेक्टली ये यहाँ से शिफ्ट कर दो इसको, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है चीज? यहाँ से आप चाहो तो एक या फिर दो कॉर्नर भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ क्या चाहिए, ये दो राउंड कॉर्नर चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर चले जाओ। ये रहा ऑप्शन एक हमारे पास। ओके, डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर। ओके, यहाँ पर चले जाओ, ये वाला पार्ट मैंने 0 कर दिया है, तो ये देखो, ये यहाँ से 0 हो गया। ओके, कुछ भी एक तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप कहीं पर भी क्लिक करोगे ना लाइन के ऊपर, ये देखो ये एक पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये एक पॉइंट आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, दोबारा से कहीं पर करना है उस पर क्लिक कर दो, कहीं पर भी आप इन पर क्लिक कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो ये अलग अलग पॉइंट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जब पॉइंट क्रिएट हो गए हैं, तो मैं इनको अपने अकॉर्डिंग मूव यहाँ पर कर सकता हूँ। ये देखो, मैं इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इनको मूव कर सकता हूँ। डेट सेट, क्लियर है चीज? अब मूव करवाने के बाद अगर आप इनको राउंड करना चाहते हो, तो आप क्या चीज कर दो, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। तो ये देखो, ये हमारे पास छोटा बड़ा इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये देखो, कहाँ पर किस टाइप से आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज? हाँ जी, इसके ऊपर फिर से डबल क्लिक किया मैंने, तो फिर से ये देखो, दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोग जिस मर्जी टाइप की इमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक पार्ट जरूर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, थोड़ा सा क्रिएटिविटी है, ये थोड़ी क्रिएटिविटी वाला पार्ट आ जाता है। डैट सेट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर होम आइकन बनाया था। ओके, अब होम आइकन और भी बहुत सारे होते हैं, आप सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, सिंपल ये देखो, एक और वे है बनाने का, आप सिंपल यहाँ पर इस टाइप से भी बना सकते हो। ये देखो, यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगा दिया, डोर यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ओके, आप इसको थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे मर्जी आप कर लो। ओके, ये देखो, आप इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप रेक्टेंगल पार्ट आप कुछ इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, क्लियर है चीज? तो ये देखो, मैं यहाँ पर ये चीज़ लगा सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा भी यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, और अब आप यहाँ पर क्या काम कर दो, इनको आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो ये देखो, ये सिंपल एक होम का आइकन हमारे पास क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज? तो ये देखो। ओके, तो एक क्रिएटिविटी है आप लोगों की, आप क्या चीज़ करना चाहते हो। क्लियर है चीज? आप चाहो तो यहाँ पर और भी पार्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे सर्च आइकन अगर आपको बनाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्च आइकन बनाना है, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ करोगे, एक सर्कल क्रिएट कर दोगे। ओके, देन अगेन मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, देन शिफ्ट ऑल्ट पर प्रेस करके आप उसको थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कर दो कुछ इस टाइप से। ओके, और आप इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डन। फिर आप यहाँ पर एक इस टाइप से रेक्टेंगल पार्ट आप क्रिएट कर दो।
आप इसको थोड़ा सा घुमा दो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। और अब आप इसको यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, इस टाइप से ऐड करवा दो क्लियरेंसेज, तो ये देखो, ओके। हालांकि ये थोड़ा सा सही ढंग से ऐड नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और आप लोग इसको अच्छे से ऐड इस टाइप से करवा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर आप इसका बॉर्डर हटा के आप इसका कलर फिल करके देखो, तो ये देखो क्लियरेंसेज। तो ये क्या, हमारे पास आइकन्स बनाने के कुछ वेज है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से आइकन्स यहाँ पर क्रिएट करते हो। आइकन्स बनाने के तो बहुत सारे वेज हैं क्लियरेंसेज, बस आपको रेगुलर बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, डैट सेट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ SVG पार्ट, ठीक है। SVG इमेजेस हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। देखो SVG होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ डेट इज डाउनलोड फ्री SVG इमेजेस, ओके। तो ये देखो, ये कुछ वेबसाइट ओपन हो गई है, आप इस पर जैसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी SVG इमेजेस मिल जाएंगी। ये देखो क्लियरेंसेस, ये देखो कितनी सारी यहाँ पर SVG इमेजेस आप लोगों को मिल रही है, ओके। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखो आप लोगों को और भी SVG इमेजेस यहाँ पर मिल जाएगी क्लियरेंसेस। आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है, मैंने क्लिक किया यहाँ पर, मैंने किया डाउनलोड, ओके, डाउनलोड हो गया ये। यहाँ पर मैंने इसको किया यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर इमेज जो है वो चीज़ आ गई क्लियरेंसेस। ये बहुत बड़ी इमेज है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल जीरो प्रेस किया है, तो ये देखो क्लियरेंसेस। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं, देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ समझो SVG इमेज। मैं सिंपल इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ एक बार, ये देखो मैं यहाँ पर जैसे नेचर HD इमेजेस, मैंने कुछ भी पार्ट यहाँ पर लिखा, ओके, इमेजेस पर जाओ। अब कोई भी इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर लो, जैसे ये देखो 1600x900, ये है ना इमेज, तो ये देखो मैंने इसको सेव किया, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं एक बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गई है, इमेज आ गई क्लियरेंसेस, तो ये देखो, ओके। अब इसमें क्या होता है, आप जब इसको जूम करोगे ना, तो ये देखो ये देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, पिक्सल्स आ गए। ये देखो मतलब जैसे जैसे जूम करते रहोगे वैसे वैसे इमेज हमारी क्या होती रहेगी, ब्लर होती रहेगी। ये देखो देख रहे हो ये चीज़, इमेज जो है वो क्या होगी, हमारी ब्लर होगी। पॉइंट समझ में आ गया। बट अगर मैं यही चीज़ इसके अंदर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास SVG इमेज है, तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, SVG इमेज, आप इसको जूम करो तो ये देखो, जूम करोगे तो ये देखो क्या इसके पिक्सल फट रहे हैं, ये देखो नहीं फट रहे। तो SVG इमेजेस इसीलिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि आप उनको जूम जितना मर्जी जूम कर सकते हो, उनके पिक्सल्स नहीं फटते, ये देखो क्लियरेंसेस। तो ट्राई यही करो कि आप लोग SVG इमेजेस के ऊपर काम करो, और आप इनको एडिट भी कर सकते हो, जैसे इसी के ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके, बॉर्डर में यहाँ पर रिमूव करके जैसे मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, ओके, यहाँ पर फिल नहीं, थोड़ा सा गलत तरीके से फिल हो गया, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये देखो डबल क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ पर रेड कलर आ गया। आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई दूसरा कलर फिल कर दो, ये लो क्लियरेंसेस, ये गर्ल है, ये पर्सन है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनका कलर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये देखो, ओके, ये हमारे पास बॉर्डर आ गया, बॉर्डर का कलर आप कुछ और चेंज कर दो क्लियरेंसेस। तो ये यहाँ पर कलर चेंज हुआ नहीं, बट कलर आप यहाँ पर इस टाइप से चेंज कर सकते हो, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर अपना कोई सर्कल क्रिएट कर दो, ठीक है, ये लो जी सर्कल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ओके, ये देखो। और आप क्या काम कर दो, इसको इसको आप यहाँ पर लेकर आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये देखो जैसे इसी को ऊपर मैं ले गया यहाँ पर, ठीक है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ मास्क विद शेप, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, वो मास्क हो गया क्लियरेंसेस। आप इसको अगेन थोड़ा सा करके आप इसको थोड़ा सा छोटा आप यहाँ पर कर दो, थोड़ा सही ढंग से, ठीक है, ये देखो, ओके। और इमेज भी आप प्रॉपर यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो ये देखो, हाँ जी इमेज हमारे पास हो गई है मास्क या नहीं हुई है क्लियरेंसेस, मैंने शेप ही उसकी चेंज कर दी, ये देखो। आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसको एडिट कर दो, जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक कुछ भी इस टाइप से स्टैंड यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया,
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बॉर्डर आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। देन यहाँ पर अगेन एक और पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया कुछ इस टाइप से। अगेन इसका आप बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, डन, ये पार्ट आ जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग एक बॉटल टाइप का क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये देखो, इसका भी बॉर्डर आप हटा दो। देन अगेन यहाँ पर आप इस टाइप से कर दो, ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा। अगेन आप इसका बॉर्डर हटा दो। इनको हम लोग लास्ट में सबको ऐड भी कर देंगे, ठीक है। देन आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप इनका कलर वगैरह, कलर नहीं, यहाँ पर आप इनका बॉर्डर जो है वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो। जैसे 10 पिक्सल, ठीक है, 10 ज़्यादा हो गया है, मैं 5 दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने 5 दे दिया है, क्लियर है। आप चाहो तो इसका भी बॉर्डर आप प्रोवाइड कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस आप इसका प्रोवाइड कर दो कुछ इस टाइप से। आप यहाँ पर रिंग भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से इमेज आ गई। बॉर्डर आप रिमूव कर दो, ठीक है, या फिर चलो मैं यहाँ पर नहीं बनाता, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आ गया। देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, एंड शिफ्ट ऑल्ट मैंने शिफ्ट किया, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को, ये दोनों प्रॉपरली यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, 1 मिनट ज़रा मैं इनको थोड़ा सा और इससे बाहर कर देता हूँ, इमेज से बाहर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट ये प्रॉपरली नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर इमेज हमारी इस टाइप से नहीं थी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो गया, बॉर्डर आप हटा दो और इसको अब आप यहाँ पर लेकर आ जाओ, ठीक है ना। तो ये देखो आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो क्लियर चीज़, ये यहाँ पर इस टाइप से पार्ट आ जाएगा। ये चीज़ आप अलग से क्रिएट करने के बाद आप इनको ग्रुप कर देते। मैं अभी के लिए कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, तो ये देखो अब ये इमेज आपके पास रेडी हो गई है। अब आप जितना मर्जी इसको जूम कर सकते हो, जितना मर्जी आप यहाँ पर इसको जूम कर सकते हो। ये देखो क्लियर चीज़, ये देखो पिक्सल्स इसके नहीं फटते, हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग SVG इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं, आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए SVG इमेजेस। SVG इमेजेस को अगर आप एडिट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये सब है, आप इनका अलग अलग कलर जो है वो चीज़ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। सॉरी, ये पूरा पूरा कलर ही चेंज हो गया, ये देखो, ठीक है। ये जो इमेज मैंने अभी वाइट कलर की बनाई है, ये पहले आप अलग से बनाते, अलग से आप उसका कलर प्रोवाइड करके इसके अंदर ऐड कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्लियर है चीज। ये देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करके मैं इसको चाहूँ तो ऊपर की साइड लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ से आप ले जाओ, ये देखो, सेम यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं, ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग आइकन क्रिएट कर देते हैं कि ये रहा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और नीचे की साइड यहाँ पर ले जाओ, क्लियर है चीज। तो इस टाइप से आप लोग थोड़ा बहुत इसको एडिट कर सकते हो, प्रॉपरली आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को बना सकते हो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से क्रिएटिविटी अपनी लगाते हो, क्लियर है सबको। तो क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप लोग SVG इमेजेस जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करो, वो बहुत अच्छा रहता है। SVG इमेजेस यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। तो आप लोग थोड़ी बहुत वेबसाइट की R&D जरूर कर लेना। एक वेबसाइट तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, यही वाली, freesvgo.org। एक और वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों मिल जाएगी, डेट इज फ्री पिक के नेम से। तो ये वाली वेबसाइट भी आप लोगों को मिल जाएगी, क्लियर है। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट SVG इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग वही इमेजेस चूज कर लेना, उसी वेबसाइट से आप लोग इमेजेस चूज करके आप लोग इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ट्राई करना कि ये चीज़ें आप लोग यूज़ करो, ये बहुत अच्छा रहता है। इस टाइप से यूज़ करना इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा रहता है।
तो आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करना सीख लो। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब एक काम करते हैं, ये चीज़ समझो। देखो ये हमारे पास पहले का पार्ट आ गया है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ जी कोई डाउट है इस पार्ट में तो पूछो। हाँ जी, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया है? ओके, तो आइकन्स थोड़ा सा आप लोगों को सही ढंग से क्रिएट करने हैं अपने। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम और करते हैं। देखो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ फ्लो पार्ट बता देता हूँ। ओके, फ्लो कैसे, जैसे इनको मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, आर्ट बोर्ड हमारा दूसरा क्रिएट हो गया है, ठीक है। आर्ट बोर्ड चूज़ करना है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट चूज़ हो गया। ओके, देन एक मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरे पास कौन सा है, डेटा स्प्लैश स्क्रीन है। ओके, देन मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर करके इस वाली स्क्रीन को मैं इधर की साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ये शिफ्ट नहीं हो रही है, वन मिनट ज़रा, ये देखो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्लियरेंसेस, और एक पार्ट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, डन। तो हमारे पास टोटल अब चार स्क्रीन्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक डेमो पार्ट और प्रोवाइड करके दिखाता हूँ। देखो जैसे स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, कुछ पता है आप लोगों को? हाँ जी, स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी पार्ट ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में क्या आता है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक लोगो लगा हुआ आता है। आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ एक लोगो बना हुआ आता है। जैसे स्मार्ट प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, स्मार्ट आप लोगों ने अगर देखा हो, ठीक है, स्मार्ट प्रोग्रामिंग कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, डैट सेट, क्लियर है। अब आप लोग इसकी कुछ हाइट विड्थ कुछ भी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मैंने कर दिया 24। ओके, और रेगुलर की जगह पर बोल्ड बोल्ड नहीं है तो चलो ठीक है, इसको मैं एज इट इज यहाँ पर कर देता हूँ। अब ये वाली जो स्क्रीन है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहेगी, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर वो कहाँ पर आ जाएगी, फिर वो आ जाएगी यहाँ पर, कहाँ पर, डेटस लॉगिन पर। मैंने इसको क्या नेम प्रोवाइड कर दिया, लॉगिन। ओके, देन लॉगिन के बाद यहाँ पर हमारे पास एक है होम स्क्रीन। ओके, और ये क्या है हमारे पास, डेट इज नेविगेशन। ओके, नेविगेशन ड्रॉअर स्क्रीन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर चार स्क्रीन्स हैं, क्लियर है। अब लॉगिन के केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ लगा लो, जैसे बटन है हमारे पास यहाँ पर एक लॉगिन बटन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट इज लॉगिन बटन है, तो मैं यहाँ पर एक लॉगिन बटन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इसका कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज़ वाइट, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ से, कहाँ से, वो स्प्लैश स्क्रीन से आए लॉगिन पर 3 सेकंड के बाद। ओके, लॉगिन, जब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा तो वो कहाँ पर जाएगा, हाँ जी वो कहाँ पर जाएगा, होम स्क्रीन पर। ओके, होम स्क्रीन पर यहाँ पर एक आइकन लगा होगा, ठीक है। आइकन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये चीज़ निकल कर आएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट कैसे करना है आप लोगों को, ये देखो मैं एक काम और करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर जल्दी से एक और पार्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, बॉर्डर हटा देता हूँ, इसको मैंने फिल कर दिया, यही वाला पार्ट, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी कुछ इस टाइप से, और उसका साइज़ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसका कर देता हूँ 5, ठीक है, 5, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ राउंड कैप, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रिपीट ग्रिड, रिपीट ग्रिड में मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है कुछ इस टाइप से। ओके, और यहाँ पर मैंने इस टाइप से कर दिया, ठीक है, और अनग्रुप ग्रिड कर दो। ओके, फिर ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनका बॉर्डर, बॉर्डर मैं यहाँ पर इनका वाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी नहीं,
मैं पहले इनको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी, इनको क्या करना है, पहले कंट्रोल जी ग्रुप कर देना। ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर लेकर आ जाना। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इन तीनों को कंट्रोल जी अनग्रुप कर दो दोबारा से, राइट क्लिक करके। मैं यहाँ पर एक बार और राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूँ, ये यहाँ से हो नहीं रहा, ठीक है। अनग्रुप कर दो, ठीक है। इन तीनों को सबसे पहले तो आप लोग ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पर कंट्रोल जी कर दो, ठीक है। ग्रुप बन गया, अब ये छोटे बड़े हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई है कि राउंड कैप हमारा नहीं रहा। चलो, राउंड कैप आप लोग खुद से कर ही लोगे। ओके, ये यहाँ पर आ गया, बॉर्डर हटा दिया, एंड फिल हमारे पास आ गया, डेट इज़ वाइट, बट कहाँ गया वो? आई थिंक बॉर्डर बॉर्डर ही आएगा, बॉर्डर ही वाइट कर देते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, डेट इज़ होम पार्ट आ गया। ओके, अब मुझे यहाँ पर इनका फ्लो सेट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो। मैं सिंपली यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पर चले जाओ आप, देखो एक ऑप्शन क्या है डिज़ाइन, एक ऑप्शन क्या है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर होम बटन आ गया। होम का क्या मतलब है कि सबसे पहली स्क्रीन मेरे पास यही ओपन होगी, और यहाँ पर एक एरो मार्क आ गया, क्लियरेंसेस। अब यहाँ पर देखो, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये किस पर जाए, लॉगिन स्क्रीन पर। तो आप सिंपल यहाँ पर जाकर इस स्क्रीन के ऊपर छोड़ दो, डैट सेट। तो ये इससे यहाँ पर लिंक हो गया। ओके, और ये बोल रहा है कि कैसे जाएगा, टैप करके जाएगा? नहीं, मैंने यहाँ पर टाइम लगाना है कि वो फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 सेकेंड के अंदर वो इस वाले पेज से इस वाले पेज पर पहुँच जाएगा, डैट सेट। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, ये देखो मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक किया, एक एरो मार्क आ गया। ओके, एरो मार्क आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये कहाँ पर चला जाए, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ ये कहाँ पर चला जाए, इसके ऊपर, क्लियरेंस। तो मैंने यहाँ पर जाकर इसको ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद ये कैसे जाएगा, टैप करके जाएगा? बिल्कुल सही है, टैप करके जाएगा वो, क्लियरेंस, टैप करके जाएगा। टैप करेगा तो टैप करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर उसको एक और बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो जाएगा इस वाले पर, फॉर एग्जाम्पल, क्लियरेंस। चलो सबसे पहले उतना पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं इतना पार्ट देख लूँ कि ये इस पर चला जाएगा, ओके, और ये इस पर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं काम और करता हूँ इसका, डिज़ाइनिंग पार्ट पर। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, डिज़ाइनिंग पर यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं कुछ कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रेडियंट टाइप का। ओके, यहाँ पर चले जाओ, लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर कर दो, ठीक है। एक कलर मैंने ये वाला पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। एक कलर यहाँ पर मैंने ये वाला प्रोवाइड कर दिया है, कुछ भी इस टाइप से। ओके, नहीं थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। एक कलर आप यहाँ पर इस टाइप से कर दो, ठीक है। एक कलर हमने यहाँ पर इस टाइप से कर दिया, ठीक है जी, डन। और इसको मैं कर देता हूँ डेट इज़ सेंड टू बैक, कर दो, ये चीज़ आ गया। इसका कलर आप यहाँ पर कर दो डेट इज़ वाइट, ठीक है, बस। अब एक बार यहाँ पर रन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो डेस्कटॉप प्रीव्यू, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो ये पार्ट हमारे पास आया। 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली लॉगिन वाला पार्ट ओपन हो गया, देख रहे हो ये चीज़। दोबारा से देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये वाला पार्ट ओपन हुआ, इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले पर आ गया। ओके, अब जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो ये देखो ये हमारे पास कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, दैट इज होम स्क्रीन, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़, चारों बहुत सिंपल है। क्या का पार्ट किया है हम लोगों ने, अगर आपको रिमूव करने हैं तो यहाँ से देख लो, जैसे ये वाला पार्ट था ना, मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से करके कहीं पर भी आप छोड़ दो तो ये रिमूव हो जाएगा, क्लियरेंस। यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर क्या पार्ट किया हो, ये चीज़ किया हुआ है ना, इसको आप यहाँ से छोड़ दो तो ये देखो ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, कोई भी फ्रेम क्रिएट करना है तो उसके ऊपर ये देखो कोई भी फ्लो क्रिएट करना है, फ्रेम नहीं, कोई भी फ्लो क्रिएट करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, एक एरो मार्क आ जाएगा,
ये मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये डायरेक्टली स्क्रीन से इस वाली स्क्रीन पर पहुंच जाए, तो यहाँ पर एरो मार्क आ गया, यहाँ से मैंने कर दिया इसके ऊपर क्लियर है जिस, ठीक है। देन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर लॉगिन बटन है, मैं चाहता हूँ कि लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर आ जाए क्लियर है जिस, तो मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर एक एरो मार्क आ गया, इस पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये देखो क्लियर है जिस। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पर क्लिक होके वो ये वाला पार्ट ओपन कर दे, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने इसके ऊपर एरो मार्क लगा दिया, बट ये किस टाइप से एनिमेट हो, ये देखो ये यहाँ पर किस टाइप से एनिमेट हो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किस टाइप से, ट्रांजिशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, डेट इज स्लाइड स्लाइड राइट, स्लाइड राइट आप यहाँ पर कर दो ठीक है, स्लाइड राइट मैंने यहाँ पर कर दिया। टाइम प्रोवाइड करना, आप टाइम भी प्रोवाइड कर सकते थे ठीक है ना, टाइम भी आप लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते थे, ये देखो ईज आउट ठीक है, ईज इन आउट, स्नैप, विंड, बाउंस, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो आप लोग एक बार खुद से देखते रहना। मैं यहाँ पर आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है, 3 सेकंड के बाद, नहीं आई थिंक मैंने चेंज नहीं किया, ये देखो ये रन करो, ये देखो ये क्या बोल रहा है, जब आप टैप करोगे तभी दूसरी स्क्रीन ओपन होगी, ये देखो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया था। इस पर जाओ, ये देखो टैप लिखा हुआ आ रहा है, टैप की जगह पर क्या काम कर दो, टैप 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 यहाँ पर आ गया ठीक है, ये है ना हमारे पास, तो ये चीज़ आ गया हमारे पास टैप ड्रैग, ये तो दो दो ऑप्शन हो गए हैं। 1 मिनट, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा से लगाता हूँ यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर आप लोगों को टाइम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर होम पर एक बार आप क्लिक करके फिर यहाँ पर जाकर आप चेक करना, होम पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आप लोग चेक करना, मिल जाना चाहिए यहाँ पर, ओके सॉरी, यहाँ पर ये देखो जैसे मैंने होम पर प्रेस किया, ओके होम पर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर गए हम लोग ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, होम पर मैं प्रेस कर देता हूँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आ गया टाइम का ऑप्शन क्लियर है, इस टाइम का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप 3 सेकेंड आप यहाँ पर कर सकते हो, ये देखो क्लियर है इस, तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेकेंड के बाद नेक्स्ट फ्रेम पर आ जाएगा, ये देखो ओके। बट यहाँ पर कई बार ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये देखो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ तो ये कई बार नहीं आता, ये देखो क्लियर है चीज़, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से करना है ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना पहले, इसको ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर आप ड्रैगन ड्रॉप कर देना, फिर यहाँ पर टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो ओके। अगर आप टैप कर देते हो तो टैप पर फिर क्या रहेगा, फिर ये यहाँ पर टैप करोगे तो ही ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा क्लियर है चीज़। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से करना है ठीक है, थोड़ा सा इसको केयरफुली यहाँ पर करना स्टार्ट कर देना ओके। होम पर जरूर प्रेस कर देना तो टाइम का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा क्लियर है चीज़। कई बार अगर नहीं आता है तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों समझ में आता रहेगा ओके। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं टैप ही प्रेस कर देता हूँ ठीक है, ये रहा हमारे पास ठीक है, यहाँ पर जाओ ठीक है, टैप पर जब मैं प्रेस करूँगा तो ट्रांजिशन मैं लगा देता हूँ, डेट इज स्क्रॉल टू ठीक है, स्क्रॉल टू नहीं है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में वो आ जाएगा, नेविगेशन ही है ठीक है, नेविगेशन हमारे पास आ जाएगा 10-1 ओके। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ, टैप किया मैंने तो वो देखो वो राइट साइड में हो गया, मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया ये चीज़ आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये देखो क्लियर है, जिस इस पर क्लिक किया है तो ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर एक मैं क्रॉस बटन और बना देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक क्रॉस बटन और बना देता हूँ ठीक है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा फ्लो सही ढंग से समझ में आ जाएगा ओके। तो एक पार्ट हमारे पास ये हो गया है ठीक है, देन इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री पर कर दिया है मैंने ओके। दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको मैंने घुमा दिया यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओके, 45 डिग्री पर ठीक है, 45 डिग्रीज पर करने के बाद बॉर्डर हटा दो, फिल ठीक है,
फिल ठीक है हमारे पास, ओके इसको थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ पर जाओ ठीक है, यहाँ से इसको मैं नीचे की साइड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके तो ये देखो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, क्लियरेंस क्रॉस बटन आ गया। अब क्रॉस बटन पर आप प्रोटोटाइप पर चले जाओ ठीक है, प्रोटोटाइप पर जाने के बाद जैसे ही मैं क्रॉस बटन पर क्लिक करता हूँ क्रॉस बटन पर, तो वो वापस से यहाँ पर आ जाएगा डेट सेट ठीक है। तो अब की बार ये थोड़ा नेविगेशन देखो ठीक है, ये देखो ये वाला पार्ट आ गया, लॉगिन बटन पर क्लिक किया ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक किया ये चीज़ आ जाएगा, इस पर क्लिक किया तो वो चीज़ उसी साइड जाना चाहिए ठीक है ना, ये चीज़ जब मैंने क्लिक करके किया तो ये होना चाहिए हमारे पास, डेट इज स्लाइड लेफ्ट होना चाहिए ओके। तो अगेन अब आप यहाँ पर रन करो ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया ओके, देन यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ से ये चीज़ आ गया, यहाँ से ये चीज़ चला गया, देख रहे हो प्रॉपर इस टाइप से आप लोगों को नज़र आ रहा है ये चीज़। हाँ जी पॉइंट समझ में आ रहा है सबको ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से प्रॉपर प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हो ठीक है ना, किस फ्रेम से आप लोगों को किस फ्रेम पर जाना है ठीक है, प्रॉपर आप लोग डिसाइड करो, डिज़ाइंस वगैरह बनाओ ठीक है, डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉपर फ्लो अपना बनाकर क्लाइंट को दिखा सकते हो। जो नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट जब भी आता है तो आप लोग उसको ये नहीं है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में डिज़ाइनिंग पार्ट बनाकर उसको तो रन करके दिखाओगे, नहीं आप पहले उसको सब कुछ यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद आप उसको समझा दो ठीक है ना, आप यहाँ पर समझा दो, इवन आप लोग यहाँ पर इसका वो भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग वगैरह भी इसकी कर सकते हो। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग, तो यहाँ कहीं पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए, शायद कुछ प्लगइन्स वगैरह ना हो ओके, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर इसको रन करके दिखा सकते हो और रिकॉर्ड भी कर सकते हो ठीक है। ये यहाँ पर XD मोबाइल के अंदर चलेगा, बट चलो अभी के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ दिखाता हूँ, तो आप लोग सिर्फ क्लाइंट को फ्लो चार्ट दिखाते हो कि भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ ओपन होगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ ओपन होगा या क्या चीज़ रहेगा, लॉग आउट करने पर कहाँ जाएगा, होम पर क्लिक करने के बाद क्या चीज़ ऑप्शन ओपन होगा ठीक है। तो सारे के सारे फ्रेम्स आप लोग बनाकर यहाँ पर प्रॉपर उसको डिस्प्ले करवा देते हो। हाँ जी प्रोटोटाइप किस चीज़ के लिए है, समझ में आ गया ये चीज़, प्रोटोटाइप किस चीज़ के लिए, फ्लो प्रोवाइड करने के लिए है, पॉइंट समझ में आ गया। हाँ जी ओके क्लियर है चीज़। तो एक पार्ट तो आप लोगों को इतना फ्लो किस टाइप से बनता वो चीज़ पता होना चाहिए ओके। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर समझो, कई बार हमें नीड हो जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने एक आइकन क्रिएट कर दिया ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक इस टाइप से क्रिएट कर दिया, मैं फॉर एग्जांपल इसका बॉर्डर बॉर्डर मैं इसका रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करता हूँ, इसका कोई भी एक कलर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ओके। अब मुझे क्या काम करना है, इसको रिपीट करवाना है, तो ये देखो ठीक है इस टाइप से हो गया, बट कई बार हो सकता है मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा ग्रिड्स हैं, इतना पार्ट आ रहा है, क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर देखो हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कुछ अगेन ये वाला पार्ट आ गया ठीक है, जो इसके साथ ही है, आप यहाँ पर लगा कर चलो येलो जी ओके, इसका कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ और प्रोवाइड कर दिया है, जैसे ये देखो ये कुछ इस टाइप का कलर आ गया है, इसको भी अगेन मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, रिपीट ग्रिड कर देता हूँ ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक है, अगर आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ भी हमारे पास क्या हो, स्क्रॉल हो, तो अनग्रुप कर दो इसको भी, अनग्रिड अनग्रुप ग्रिड कर दो ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखो ये सारे के सारे पार्ट आ रहे हैं ना, आप इनको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ 1, यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ अभी के लिए 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इन सबको आप लोगों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखो ये एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, डेट इस किस चीज़ का, डेट इस स्क्रॉल ग्रुप्स, यहाँ पर देखो स्क्रॉल ग्रुप्स पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये देखो ये सिर्फ इतना पार्ट रह गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग मैं इसको बोल दूंगा कि स्टार्टिंग आपको करनी है स्क्रॉल की यहाँ से ओके। बस अब आप जब इसको रन करोगे, ये देखो जब हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉपर स्क्रॉल हो जाएगा। अच्छा 8 तो वही हो गया,
एट तो वहीं रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्रुप नहीं किया था, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने ग्रुप नहीं किया था इस वजह से। तो आप लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, इन दोनों को नहीं, मैं एक बार कंट्रोल जेड में यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, ये था मेरे पास, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ये है मेरे पास, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, इन सब को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ये वाला स्क्रॉल पार्ट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो क्लियरेंस, ये देखो हम लोगों के पास 8 नंबर यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, क्लियरेंस, सेम टू सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इन सबको सेलेक्ट करो, वर्टिकल पर आप कर दो, डेट सेट, क्लियरेंस। अच्छा, अगर मेरे पास नीचे की साइड ज़्यादा आइटम्स आ जाते हैं फिर आप लोग क्या काम करोगे? अगर मेरे पास नीचे की साइड भी बहुत सारा पार्ट आ जाता है तो आप पहले इसको बड़ा कर देना, आप इसको बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैं अगेन रिपीट ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है, ये लो जी, ओके डन। एक मेरे पास यहाँ पर एक और पार्ट है जैसे कुछ इस टाइप से आ गया, ओके, इसको भी अगेन आप रिपीट ग्रिड कर दो, क्लियरेंस। और एक और कोई भी पार्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो कुछ इस टाइप से आ गया है हमारे पास, ओके, और इसको भी मैं अगेन रिपीट ग्रिड यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट। तो अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टली करना है तो सबसे पहले तो आप इनको सबको अनग्रुप कर देना, सबसे पहले तो आप इन सबको अनग्रुप कर देना, फिर इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको लगा लेना है, ये देखो क्लियर है, इस सारी जगह पर मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पर लगा लिया, ओके। करने के बाद अब आप रन करो, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें ही नज़र आएंगी, और ये देखो ये डायरेक्टली आप लोग स्क्रॉल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ये देखो कुछ इस टाइप से। बट आप लोगों के पास, अच्छा एक और पार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मैंने चेक नहीं किया, बाकी चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है, स्क्रॉल सारी की सारी यहाँ पर हो रही हैं, ठीक चल रहा है, ठीक है। बट अगर आपको क्लाइंट को ही यहाँ तक दिखाना है, क्लाइंट को ही यहाँ तक दिखाना है, तो आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, इसको आप छोटा कर दो, क्लियरेंस, और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद ये देखो, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक वर्टिकल भी आ रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, तो ये देखो, ओके। तो वो वहाँ पर पूछ रहा था वो कि कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए स्क्रॉल, ठीक है, ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आप इसको छोटा बड़ा कर लेना क्योंकि कई बार ये आधा रह जाता है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, आप एक बार रन करके देखो, ओके, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर देखो तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, ओके। अगर आप लोग चाहते हो कि सर यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग हो जाए, अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पर एक फिक्स पैनल कुछ क्रिएट हो जाए, नेविगेशन में एक होता नहीं है सबसे नीचे वाला जो बॉटम बार बना हुआ आता है, अगर आप लोगों को वो वाला पार्ट क्रिएट करना है फिर कैसे करेंगे? सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एक इस टाइप से क्रिएट कर दूंगा, ओके, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर हटा के मैंने कुछ भी कलर उसका अभी के लिए प्रोवाइड कर दिया, ओके, ये देखो। और अब एक बार डायरेक्टली इसको रन करके देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो डायरेक्टली अगर मैं रन करूँगा तो ये देखो ये डायरेक्टली यहाँ पर फिक्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट में लगा दिया था, ये डायरेक्टली यहाँ पर फिक्स हो रहा है, बट ये देखो ये चीज़ इसके नीचे आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या काम करना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन थे, ये देखो ये था ना हमारे पास, आप इसको थोड़ा सा नीचे तक कर देना, आप इसको थोड़ा सा नीचे तक कर देना, और यहाँ पर वापस से आप इसको इस टाइप से कर देना, ठीक है, अगेन रन करो। रन करने के बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर, उप्स, यहाँ पर तो अब वो हो ही नहीं रहा, स्क्रॉल हो ही नहीं रहा, क्यों भाई स्क्रॉल तो अब ये हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आई थिंक के हमारे पास ये चीज़ स्क्रॉल वाला पार्ट कहाँ तक चला गया, ठीक तो है, स्क्रॉल वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ तक गया है, ओके, एक बार अब के बाद डायरेक्टली मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाओ डायरेक्टली रन करो,
ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से बना हुआ आ रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। अब की बार रन करके देखो, ठीक है, ये अब की बार स्क्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगेन कुछ पंगा पड़ गया इसमें। ठीक है, मैं एक बार और यहाँ पर इसको नीचे की साइड करके, मैं एक बार स्क्रॉल वाला जो पार्ट है ना, मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसको जो है, मैं यहाँ से एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया वो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो वो अब स्क्रॉलिंग पार्ट में नहीं रहा। ओके, इसको मैं यहाँ पर एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगेन एक बार आप इस सबको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने से पहले ही यहाँ पर मैं, चलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर वर्टिकल पार्ट लगा दिया। ओके, ये कट गया है, इसको आप ऊपर की साइड ले जाना है, इसको आप नीचे की साइड कर देना, ये यहाँ तक, क्लियर है चीज़। ठीक है, फिर इसको मैं ऊपर की साइड ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पर रन करो। ओके, रन करोगे तो अब की बार भी वो नहीं लगा, अब की बार भी वो पार्ट यहाँ पर नहीं लग रहा, क्यों? इसकी वजह से मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं एक बार इसको सेलेक्ट करके मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। ठीक है, तो नहीं, ये यहाँ पर फिर से नहीं हुआ भाई। ये यहाँ पर शायद कुछ सॉफ्टवेयर अभी सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप लोगों को जस्ट सिंपल क्या काम करना है, इसको ऊपर क्लिक करके इसको आप फिक्स पोजीशन कर देना। ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, क्लिक कर देना इसको। क्लिक करने के बाद ये हमेशा ही यहाँ पर रह जाएगा। क्लियर है चीज़। अब की बार ये देखो, जब आप लोग स्क्रॉल करोगे ये सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पहले कर रहा था ये सही ढंग से रिस्पॉन्ड, बट अब की बार ये सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, मे भी शायद सॉफ्टवेयर कई बार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से एक बार देख लेना, ये अब की बार कर जाए बट ये सही वे नहीं है। ठीक है, ये देखो इस टाइप से कर तो रहा है, बट बड़ा नहीं करना हम लोगों को, छोटे में भी वो स्क्रॉल हो जाना चाहिए। बट चलो अभी दिखाने के लिए तो सही है। मैंने यहाँ पर जब इसको फिक्स कर दिया तो क्या हो गया, ये यहाँ पर ये हमेशा नीचे की साइड ही फिक्स हो जाएगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, नीचे की साइड हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसको ऊपर क्लिक करके आप लोगों को फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको जरूर टिक करना है। ठीक है, ये यहाँ पर पहले टिक मार्क लगा हुआ आता था, अब की बार टिक मार्क कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो मे भी शायद सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अभी के लिए। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर, किस टाइप से आप लोगों को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करवाना है। ठीक है, किस टाइप से आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके, लॉग आउट पर भी मैं यहाँ पर लॉग आउट प्रोटोटाइप कर दो। लॉग आउट पर क्लिक करने बाद ये यहाँ पर चला जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद भी ये यहाँ पर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगेन ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए अगेन मैंने यहाँ पर लॉग आउट के लिए भी लगा दिया है। ठीक है, जब आप रन करोगे तो ये प्रॉपरली लॉग आउट भी अब की बार ये यहाँ से डिस्प्ले करवाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, क्लियर है चीज़। ठीक है, तो ये प्रॉपरली ये यहाँ पर चल रहा है। ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, समझ आ गया इतना पार्ट, किस टाइप से फ्लो चलता है हमारा। ठीक है, तो हमारा अब देखा जाए तो XD पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, XD पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, किस टाइप से डिज़ाइनिंग पार्ट करते हैं, फ्लो हम लोग किस टाइप से दिखाते हैं। क्लाइंट को अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग पार्ट डिस्प्ले करवाना है तो XD के अंदर सिंपल डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट करने के बाद आप उसको दिखाओ, अप्रूवल लो। जब अप्रूव हो जाता है तो हम लोग यही सेम टू सेम डिज़ाइनिंग पार्ट बनाते हैं, किसके अंदर, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर अब डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट करना है। कोई भी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएगी। ओके, ई कॉमर्स एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस में चले जाओ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, कोई भी एक थीम आप ले लो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इन्होंने एक ब्लू पेपर ही प्रोवाइड कर दिया है। क्लियरेंस कंटिन्यू विद ईमेल, ये यहाँ पर सही ढंग से नहीं वो हो रहा है, तो सेव इमेज एक बार देखें ज़रा। नहीं, सेव भी ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है,
मैं यहाँ पर सिंपल व्यू इमेज का भी एक ऑप्शन आता है, या फिर चलो मैं डायरेक्टली एक बार सेव इमेज कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये इन्होंने कुछ यहाँ पर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से बनाकर देखो डिज़ाइनिंग पार्ट, ओके। और वही सेम टू सेम डिज़ाइनिंग पार्ट आप लोग इम्प्लीमेंट कहाँ पर करो, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है। एक बार ब्लूप्रिंट मैंने भी आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, ओके। तो आप लोग उस टाइप का भी बना सकते हो, इस टाइप का भी बना सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ओके।